आपकी शारक बन जाए एक लड़की कि नहीं ए विह होएगा तो फिर अल्लाह है, तो जे ए ना हो तो फिर तुम अल्लाह भी गाला क्ढन डे हो तो घरद्या भी तो बहरद्या भी, तो फिर अल्लाह तो लड़की है। सवाल सर सबसे पहले यही है कि एक तो बाबा जी कौन थे और उनका असल नाम क्या था, दूसरा ये काफी दार थे। बाबा जी ये तो बड़ा लंबे जवाब है इसके, मैंने इसके जवाब दिए मैं वैसे इंटरव्यूज में, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, और बल्कि स्टार्ट में नाम सैयद मखदूम सफदर हुसैन बुखारी भी, उनके आईडी कार्ड पे सफदर हुसैन बुखारी है। अब ये हुसैन से अली क्यों चेंज हो गया ये मैं कुछ नहीं इस पे बोलना चाहता। और मखदूम वैसे मेरी नाकिस इलम जो थोड़ा बहुत है अपनी थोड़ी सी, उसमें उन हज़रात को कहते हैं जो ज़्यादातर जो मखदूम जहानियाँ जहाँ गश्त उद शरीफ में, जो जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी कहते हैं बुखारी सादात की जो लाइन है उसमें पहले हिजरत करके जो आए वहाँ पर, और बड़े जलाली बुजुर्ग, उनके पोते थे जहानियाँ जहाँ गश्त, कहते हैं उन्होंने 19 आज उस ज़माने में किए थे, ट्रैवलिंग करते रहते थे, या उनको गश्त का, बाबा जी के लफ्ज़ों में गश्त का शौक था। तो बाबा जी उसी लड़ी में से, बुखारी सादात की लड़ी में से, उनकी पैदाइश डूडी थल, एक छोटा सा गांव है लिल्ला इंटरचेंज के साथ, कहते हैं शाह हुसैन जो शालामार बाग वाले हैं ये भी वहीं पैदा हुए। और जहानिया जहां गश साहब का जो रूहानी सिलसिला जो भी था बुखारी सादात में या वैसे, या जिन जिन को वो खिलाफत देते रहे या उनके आगे भी जो कोई लोग आते रहे, उनमें से कोई भी जिसकी भी सजादगान या सजादा नशीन या गद्दी नशीन में, मुझे तो ये भी फ़र्क नहीं पता गद्दी नशीन और सजादा नशीन में क्या फ़र्क होता, तो बहरहाल उनकी जब भी कोई दस्तारबंदी की जाती थी जिसकी भी, जिसके जुम्मे ये ड्यूटी लग जाती थी, जिस तरीके से भी मुझे नहीं मतलब मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ तरीका है कार हैं, जैसे मखदूम साले हयात साहब नाम आपने सुना होगा शाह जीना वाले, वो भी उसी लड़ी में से गद्दी है आगे, और वहाँ पर भी जो नया गद्दी नशीन अगर सेलेक्ट किया जाता है तो आप किन के साथ हैं, नहीं आप सारे इकट्ठे आपके साथ आए हैं, मेरे से पूछ तो लेना था, अफान तू इधर हो जाओ, आप इधर आके बैठ जाएं जी, तो आपको कह रहा हूँ जी इधर आके बैठ जाए, तो वहाँ पर भी नेक्स्ट जो भी वो सिलेक्शन होती है वो अगर आप पढ़ेंगे या देखेंगे वो भी कई तरीका कार हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे एक सिंपली कि मखदूम का लफ्ज़ उन लोगों के साथ सारों के साथ, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाशमी साहब या कुछ, तो मुख्तलिफ लोग जो भी हैं, तो बाबा जी की भी दस्तारबंदी भी हुई, एक दरबार उनके इलाके में ही है उनके अजदाद में से, वहाँ की गद्दी उन्हें दी जा रही थी, वो एक अलहदा पूरा वाक़ा है, वो भी नरेटेड है जगह जगह, तो वो अचानक उन्होंने उस दस्तारबंदी के दौरान ही एकदम लोगों के ख्याल में तो वो उस बोझ को नहीं उठा सके, या वो साइकोलॉजिकली सिक हो गए या मजजूबियत तारी हो गई, हालत जज़ब में चले गए कि उन्होंने वो पगड़ी भी उतार फेंकी, मेरे से ये बहुत पहले मेरी उनकी मुलाकात से कोई ये 12-13 साल पुराना वाक्य है, मैं उन्हें फिज़िकली 2001-2 में मिलता हूँ फर्स्ट टाइम, और ये वाक़ा 80s late 80s 90s का early 90s का, और वहाँ से वो गद्दी भी फेंक के वो बकौल लोगों के भाई तो भाई बकते या कुछ अपनी एक अजीब हालत में या गालियाँ बकते या आउट हो गए, वो चले गए वहाँ से। उनके जो उन्होंने मुझे नरेट किया हुआ मैं वही आपको उतना बताता हूँ, बजाय इसके कि मैं दुख उनके बेटे हैं सैयद मंशा अब्बास बुखारी और सैयद फरत अब्बास बुखारी, मंशा आपको मिल जाएंगे, दोनों ही लिल्ला दरबार के साथ ही गांव हैं और वहाँ पे भी होते हैं, घर हैं उन्होंने एक बनाया हुआ, मंशा भाई से आपको उनकी अगली डिटेल्स ज़्यादा बेहतर, जो वो बताना चाहें जो वो ना बताना चाहें वो ज़्यादा बेहतर है, उनकी फैमिली जो बैकग्राउंड है, लेकिन फैमिली के लिए तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल टाइम था कि एक सैयद पढ़ा लिखा घर का एक किस्म का सरबरा फाइनेंशियल भी और सारा, और बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हुए गांव में, मतलब जो
फलाही काम ये वो कर रहे थे, सड़कें बनवाई हुई थी, स्कूल बनवाए हुए थे और भी काफ़ी काम करते थे, लेकिन उस ज़माने में कोल माइनिंग पे टॉप पे थे, गॉर्डन कॉलेज पिंडी के पढ़े हुए थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो निकल आते हैं और बड़ी इमाम सरकार पे, उनकी सेकंड वाइफ थी जो इस वाक़े से चंद थोड़ा ही अर्सा पहले उनकी वालदा ने ज़बरदस्ती शादी कराई थी, उनकी एक अपनी जो उस गांव में अपॉइंट हुई थी हेल्थ विज़िटर थी उनके साथ, तो वो खातून जो थी उनके पहले बच्चे थे तीन छोटे, उनको यहाँ बाटी में घर लेके दिया हुआ था, तो वो फिर बाबा जी को ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं इधर ले आती थी पहले उसी हालत में, कौल बाबा जी के नहलाती धुलाती थी, थोड़ा बाबा होश में रहता भी था एक दो चार दिन, फिर एक अजीब हालत तारी होती थी, कपड़े फाड़े और या गालियाँ गुलियाँ देते या कुछ भी, जिस हालत में चले जाते थे। उन्होंने इन्हें इस्लामाबाद बड़ी इमाम सरकार के दरबार पर ढूंढ लिया और बाबा भी कहते हैं कि बाबा कोई पता नहीं होता था, तीन तीन दिन चार चार दिन बेहोश पड़ा है कोई अपनी खाने पीने की, हालांकि पहले शुगर थी, अब पाँव में ज़ख्म हुए हुए हैं, शुगर के मरीज़ के पाँव का ज़ख्म जो है वो वैसे ही जानलेवा होता है, जूता पहना नहीं हुआ, ना सफाई का पता है, ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, देखने वाला निशाई समझेगा या पागल दीवाना समझेगा। तो उस हालत में बहरहाल वो खातून उन्हें ले आती थी ढूंढ ढांग के, वो फिर उस हालत से निकल जाते थे। उन्हीं के लफ्ज़ों में कि ये दस्तारबंदी से पहले और दस्तारबंदी के दौरान मैंने खुदा से दुआ की थी कि मुझे नहीं पता हक और सच क्या है, मैं इस मनसब के या इस ड्यूटी के काबिल भी हूँ कि नहीं हूँ, ये ड्यूटी है क्या मुझे ये भी नहीं पता। जो ट्रेडिशनल गद्दी नशीनी पीरी फकीरी मुरीदी थी उसके बाबा इसका खिलाफ थे, मतलब वो कहते हैं मुझे बचपन से हम सादात थे, उस गाँव का एक वाहिद घराना ही ये सादात था, कहते वो लोग हमारे हाथ चूमते थे, गोडे गिटे चूमते थे, नीचे बैठते थे हम ऊपर बैठते थे, वालिद साहब उनके कसूर में छोटा सा एक दरबार है, कोट कतलगढ़ी एक जगह है छोटी सी, वहाँ शेरशाह वली दरबार है, वहाँ के वो सजादा नशीन रहे हैं, उनके उन शेरशाह साहब के साथ रहे हैं और फिर उसके बाद वही उन्हें कह गए कि आप मेरी औलाद हैं, आप मेरा करें काम, और उन्होंने वो ड्यूटी निभाई उनके वालिद ने। अब मंशा अब्बास बुखारी उधर ड्यूटी करते हैं और बाबा जी इस बात को भी मानने पे तैयार नहीं थे कि बाप का बेटा ही आगे से होगा या ऐसे होगा या वैसे होगा, लेकिन इस तरह की बातें वो डिबेट नहीं करते थे किसी से, बात नहीं, उनकी अपनी सोचें थी बकौल उनका। वैसे ये रिएक्शन था मेरे अंदर कि ये क्या है, हम सब इंसान बराबर हैं और अगर इनमें से कोई अच्छा इलम रखता है, अच्छी समझ रखता है, दूसरों को गाइड कर देता है, तो उसमें मतलब ये उसको अल्लाह की खातिर करना चाहिए बजाय इसके कि वो लोगों से उसके बदले में वाह वाह लेनी शुरू कर दे या अपने आप को सुपीरियर साबित कराना शुरू कर दे या ऊपर बैठना शुरू कर दे। खैर कई बार तो मजबूरी होती है ना कि ये डॉक्टर साहबान अपनी मर्जी से नीचे बैठी हुई हैं, आपके सामने आके बैठ गई, मेरे मना करने के बावजूद मेरे गले भी लग रही हैं, मैं मना कर रहा हूँ, मर्द हज़रात भी कुछ ऐसे हैं अभी उठ गया अपनी मर्जी में, मैंने उसे सलाम नहीं लिया तो उसका बस नहीं चलता, मैं हाथ में लाऊँ फिर वो कहता मैंने पारी करनी है, अगर मैं पारी की जाती फिर उसने दंदी काटनी है, फिर उसने थुक्कू भी लगाना है, तो वो मतलब इन लोगों की, ये लोग भी एक, ये भी एक तबका है आपके माशरे में। तो ये बाबा जी का एक छोटा सा बैकग्राउंड था। अब उसमें जब वो वहाँ से आ जाते हैं और इधर भाटी में अम्मा जी उन्हें रखती हैं पास घर वालों के नज़दीक, पीछे तो हो गया कि जी ये तो मतलब दस्तार की भी बेहरमती कर दी है, ठीक है, और बड़े बाबा जी के चाहत के ख़िलाफ़ वो शादी उन्होंने अपनी वालदा की हाँ कर दी, वालदा को बहुत मानते थे, मेरे नज़दीक उनकी मुर्शिद उनके उनके बाबा जी उनकी वालदा थी, ठीक है, माँ से बड़ा कोई वली नहीं होता, पहले मुर्शिद माँ बाप ही होते हैं। तो घर वालों ने तो शायद इतना पीछा नहीं किया जितना इन्होंने किया बाद वालों ने, वो कहते कि मुझे तो मेरी तो कोई हालत ही ऐसी, मैं किसी का क्या भला करना या नहीं करना है, मुझे अपनी समझ कुछ नहीं थी, एक हर वक्त एक पूरे जिस्म के अंदर एक आग थी, एक अलाव सा था भड़कता था, गैस जैसे फटने को है कानों के पर्दे आँखें पर, तो ये भी समझ नहीं आती थी कि ये फट क्यों नहीं जाता, दिल हर वक्त मतलाता रहता था, लोग हैरान होते थे कि ये खाता नहीं है या घर भी ले आए हैं, तीन दिन से बड़ा कुछ खाया भी या नहीं है तो ज़िंदा कैसे है, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, भूख की तरफ ध्यान ही नहीं था, चाहता क्या हूँ क्या नहीं, वो एक पूरा एक करंट था, वो जब दस्तारबंदी हो रही थी जब मैं ये सोच रहा था या दुआ कर रहा था तो
तो वो एक करंट सा था जो पूरे जिस्म से गुजरा था और मुझे एक किस्म की आग सी लग गई या जो भी कह लें, मेडिकली हम कहेंगे जी नफ्सियाती कंडीशन हो गई, ठीक है, उन्हें इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। रूहानियत वाले इसको हालत जज़्ब कह देंगे, मजजूबियत तारी हो जाना कह देंगे। उसमें भी दाता साहब हजूर की किताब के मुताबिक तो ये कच्चेपन की निशानी होती है, बर्दाश्त नहीं कर सका, और यही लोग उसको आमने रेट कर रहे थे। इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि ये दो स्कूल ऑफ थॉट या दो डिफरेंट किस्म के थोड़े से लोग हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट रूहानियत का मुस्लिम आइडियोलॉजी में या इस्लाम में जो इस्लामी सूफिया जो नज़र आते हैं, जो मुसलमान भी हैं बेचारे और सूफीज़म की भी थाप है, या स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा सही लफ्ज़ है, मैं कहूँगा रूहानियत, उस पर अपना मज़हब को आप लाएं ना, मज़हबी जो उलमा हैं वो उसको फिर ऑफेंड होते हैं, क्योंकि जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो कई जगह ये लोग उसको इबन अरबी हो या जो कोई भी हो तो वो जो क्रिटिकल शरीयत के दायरे हैं वो खुद उलमा से नहीं संभाली जाती, वो बत्तर फिरकों में डिवाइड हो जाते हैं, तो बीच में ये एक नए आ जाते हैं मादर पिदर आजाद लोग जो नए किसी कायदे कानून को अपनी ट्रैफिक चलाई होती है इन्होंने, ठीक है ना। तो हर कोई अपने अपने कुएं का जो है ना उसका व्यू जितना उसको नजर आता है वही उसमें वही उसकी दुनिया होती है, दूसरे उसके लिए गलत होते हैं। सो एनीवेज वो ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसके यूं कह लें कि स्टार्टिंग में आपको नजर आएंगे वो स्कूल ऑफ थॉट चलता आगे, और एक बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नजर आएंगे, ठीक है। और दादा साहब ज़्यादा जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की साइड पे हैं या वो वाली स्कूल ऑफ थॉट को चलते हैं, मैं तो उनके ऊपर कोई राय ये नहीं दे रहा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है और आगे और पीछे, मुझे अपना नहीं पता तो मैंने किसी को क्या, और मेरे से पूछा भी मेरा जाना है, ठीक है। मैं आपको देख के गुमराह हो गया हूँ, अभी एक साहब फ़ोन पे मेरे साथ मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने कह दिया कि बाबा जी ने कहा कि हर एक में अल्लाह की रूह है, अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, इससे लोगों को गलत फहमी हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा, सारे अपने आप को अल्लाह समझना शुरू हो जाएंगे, और बाबा जी का तो मतलब पता नहीं क्या था, आप ये फिक्रा ना बोलें। मैं उन्हें कह रहा था कि बाबा जी से ज़्यादा मैंने ये कुरान में लफ्ज़ ऐसे ही देखे हैं, वो मुझे आगे से कहने लगे मैं फलां तबलीगी जमात का हूँ या पता नहीं कहाँ के जो भी जहाँ से भी थे प्यारे हैं, मुझे कहने लगे नहीं आप मुझे आप ये बताएं रूह क्या है। तो फ़ोन पे थे, अब इस तरह सारा चलता है ना, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, आलम तो हूँ नहीं, ना किसी को कह रहा हूँ मेरे पीछे आओ, इसलिए कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, ठीक है, कोई पीछे आ रहा है टाइम ज़ाया कर रहा है, हाँ अगे जिन्होंने ला लिया है उन्होंने ध्यान करना पड़ना, अगे लाने का शौक बड़ा मैं, ठीक है। तो खाम खा नहीं, ठीक, तो उनको मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि जी मेरे नज़दीक रूह अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। तो उसने सब में अल्लाह का हुक्म फूंक दिया, तो आगे से कुछ उसके बारीक तशरीह समझाने लगे थे, वहाँ से उन्होंने मैंने कहा कि यहाँ से अब आप गलत हैं, ठीक, मेरे अल्लाह जितना मुझे समझाएगा मेरे लिए वो काफ़ी है, हो सकता है मैं किंडरगार्टन का बच्चा हूँ, आप माशाल्लाह एक बालिग मर्द हैं, आपने शादी कर ली हुई है, आप मुझे सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर दें, बेटा शादी ऐसी होगी वेडिंग राइट कैसे करना, मैं अजय किंडरगार्टन का बच्चा मेरे थे तो वो हकीकतें खोलन लगा, ठीक है, जिहड़ा मेरा बचपन भी तबाह कर देनी है तो जवानी तो फिर है ही है। तो इतना कह के मैंने उनसे जान छुड़ाई है कि बस इतना इलम मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे लिए इतना इलम काफ़ी है कि रूह अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह साहब ने उसमें आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को सीधा दुरुस्त करके या जितनी जिस जगह पर वो जैसा चाहता था वैसा पूरा तैयार करके फिर उसमें अपनी रूह फूंकी, मेरे लिए इतना काफ़ी। अब इसकी अपनी रूह का क्या मतलब है, मेरा कुरान की इस नरेशन को नरेट करने से अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे ये समझ आई तो फिर मुझे ये समझ आई, तो मुझे मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई किसी मेंबर पे चढ़ के तो लेक्चर नहीं दे रहा, वो भी कुरान पकड़े पड़े और समझे। अगर ज़िंदगी में आपका मकसद अल्लाह है, आपका प्राइम टारगेट, जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी ये बात मुझे अच्छी लगती है, वो कहता है कि मैं बचपन से हमेशा टारगेट मैंने टॉप का रखा है, चढ़नी चाहे मैंने मरी की पहाड़ियाँ लेंगे, मैंने ये सोच लेना कि मैंने माउंट एवरेस्ट सर करनी है, या मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था तो सोचता था वर्ल्ड कप मैंने जीतना है,
तो बाकी जवानों को भी वो ये चीज गाइड करते हैं कि आप हमेशा अपना टारगेट जो है ना वो हाई रखें और उसके लिए कोशिश करें, फिर नतीजा अल्लाह ने करना है। तो इसी तरह अगर टारगेट अल्लाह है आपका, मुझे चूंकि अल्लाह का लफज ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चला है, ठीक है, तो मुझे मोहम्मद अरबी वाला अल्लाह चाहिए। वैसे अल्लाह पहले से है, मुझे भी पता है, उसे अबू जहल भी मानता था, उसे और भी बड़े मानते थे, उसे शैतान भी मानता है, ठीक है, लेकिन मेरा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अल्लाह, ठीक है, मुझे अल्लाह और मोहम्मद दोनों चाहिए, इकट्ठे ही चाहिए। तो इससे अगर कोई ये कहता है कि मैं शिरक कर रहा हूँ, मोहम्मद को अल्लाह के साथ जो नऊज़ बिल्लाह मैंने मिला दिया, नहीं, वो खुदा नहीं है लेकिन उससे जुदा नहीं है। और मेरे माँ बाप ने मुझे मोहम्मद का, अहले बैत का, पंचतन पाक का, सहाबा कराम का बता दिया, ठीक है, ठीक है। जब मैं बड़ा हुआ, अगर उसमें मुझे कुछ चीज़ें अपने घर वालों की लगी या अपने बाप के दिए हुए इलम की या उस्तादों के दिए हुए इलम की कुछ लगी कि यार नहीं ये क्या बात है, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी शुरू की तो उसमें वो चीज़ें फिट नहीं बैठी, वो कहीं ज़ेब दास्तान लगी मुझे, या मुझे ये लगी कि यार ये लेक्चर तो था मेरे बड़ों का कि ऐसे करना, लेकिन खुद उन्होंने किया नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में ये करना तो बहुत मुश्किल है, ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे आपको अपने माँ बाप बहन भाई घर बार सब छोड़ना पड़ता है एक अल्लाह रखने की खातिर, इल्लल्लाह की जगह, ठीक है, जो करबला है लम यलिद वलम युलद होकर सोचना पड़ता है उसके साथ खड़े होने के, वो तो है ही है, लेकिन जब अगर आपकी चाहत उसकी है, अब आप चाहते हैं अल्लाह ही हो, तो फिर आपका अल्लाह को मानने सिर्फ मानना यही नहीं है, उससे प्यार मोहब्बत ये हो कि अगर एक तरफ आपकी जान जा रही हो अल्लाह की खातिर तो फिर आप जान की परवाह ना करें, लेकिन अपना खुदा ना दें आप, जान देते हैं आपके बच्चे जा रहे हैं तो अपना खुदा ना दें, बच्चे जाने दें, आपकी ज़ाहिरियत की दुनिया की इज्जत लुट रही है, चादरें खींच रही हैं, जाने दें, अल्लाह ना दें अपना, आप और आपके अल्लाह के दरमियान अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ज़ाहिरियत में तो फिर तो ठीक है, जब ज़ाहिरियत में वो सामने नहीं बैठे हुए, ठीक, तो फिर या तो कोई ऐसा बंदा आपको मिले जिससे आपका दिल गवाही दे कि इसने मुझे अल्लाह से अल्लाह के नबी से मिलवा दिया, जो अल्लाह की पहचान इसने मुझे दी है, ये तो मेरी समझ में नहीं थी, मानता तो मैं था, सुनता भी मैं था कि है अल्लाह बचपन से, लेकिन तो उस बंदे का तो आप माने कि वो आपसे बेहतर जानता है, उसने कोई पहचान का दायरा, कोई पर्दा आपके ऊपर खोल दिया नया, कोई मार्फत नहीं अता कर दी है, तो फिर उसको तो बेहतर जाने कि वो आपसे बेहतर पहचान वाला है, बेहतर जानने वाला है, मानने वाला है। और अगर वो आपको नहीं भी मिलता लेकिन आप खलूस नीयत से टारगेट आपका अल्लाह है, तो यकीन माने अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आप एक कदम उसके बारे में चलने का सोचेंगे वो आपके अंदर आ चुका होगा, उस वक्त साबित करा देगा आपको कि वो वाकई आपकी शारक से करीब है। अब आपकी शारक बन जाए एक लड़की कि नहीं एदे ना विआह होएगा तो फिर अल्लाह है, तो जे एदे ना ना होया तो फिर तुसी अल्लाह नूं भी गालां कढ़न डे हो, तो घरदियां नूं भी, तो बाहरदियां नूं भी, तो फिर अल्लाह तो वो लड़की है, आपका अल्लाह तो फिर वो मजाज है, तो मजाज से हकीकत तक पहुंच जाना ये तो बड़ी बात है। कईयों को वो शुरू ही हकीकत से कराता है, ये उसकी मर्जी है, ये बहुत कम होते हैं।